सकते हैं। चाचा सुट्टा मार रहा, चाचा चाचा सुट्टा मार रहा। सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर चैनल SMS ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं इको पार्क। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बस स्टैंड में आ चुके हैं और बस का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही बस आएगा हम लोग बस पकड़ेंगे और पकड़ के यहाँ से जाएंगे, यहाँ से एक साइड जाएंगे और फिर वहाँ से बस लेंगे, बस ले कर इको पार्क जाएंगे। तो बस भी आ चुका है 227। सो गाइस एज यू कैन सी हम लोग आ चुके हैं एक साइड और अब यहाँ पे हम लोग बस का वेट कर रहे हैं। जैसे ही बस आएगा जाएंगे हम लोग इको पार्क और जाके इको पार्क में आपसे मिलते हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दो ढाई घंटा के बाद दो बस चेंज करने के बाद हम लोग फाइनली आ चुके हैं इको पार्क में। और अब हम लोग इको पार्क में एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद आप लोगों को इको पार्क का नज़ारा दिखाएंगे। तो भैया इको पार्क का टिकट कटा है तो उसका आपका जाके पड़ा 30 रुपीज़ पर पर्सन। और जब हम लोग एंटर करेंगे तो 7 वंडर्स देखने के लिए वहाँ पे अलग से देना होगा, तो वहाँ जाएंगे तो दिखाएंगे। और ये एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्रेंस होगा, यहाँ से टिकट दिखा के अंदर जाना होगा। आप गुस्सा क्यों है गाइस? फाइनली इतना देर के बाद हम लोग आ गए अंदर, आखिरकार इको पार्क के अंदर है हम लोग। और अंदर आने के बाद अभी हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग मास्क गार्डन के पास है, मास्क गार्डन में घूम रहे हैं। और आपको मैं कुछ इको पार्क के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग का जो ये इको पार्क है, ये इंडिया का सबसे बड़ा पार्क है। इंडिया में इससे बड़ा पार्क और कोई नहीं है अभी तक। तो ये ऑलमोस्ट 480 एकर्स तक में है ज़मीन और 104 एकर पानी है, जिसके बीच में एक आइसलैंड भी है। इस इको पार्क में घुसने के लिए आपके पास 6 ऑप्शंस है, क्योंकि 6 गेट्स रहते हैं इसमें, तो आप कोई भी गेट से अंदर आ सकते हैं। हम लोग गेट नंबर 3 से अंदर आए और देख सकते हैं ये है टॉय ट्रेन। एंट्री के साथ ही हम लोग को टॉय ट्रेन देखने के लिए मिल गया, पर अभी हम लोग टॉय ट्रेन में नहीं जाएंगे। गार्डन देखा और थोड़ा आगे आते ही हमें ये हेलिकोनिया गार्डन दिखा है, तो हम लोग अब हेलिकोनिया गार्डन में जा रहे हैं। ये बंद है, नहीं तो हम लोग यहाँ जाते, जाके आप लोगों को दिखाते। बंद है, कुछ कर नहीं सकते हैं, आप लोगों को शॉर्ट्स ही दिखा सकते हैं, तो आप लोग शॉर्ट्स देख लीजिए। हम लोग जा रहे हैं दूसरे गार्डन में। इस गार्डन का नाम है स्क्रिप्चुरल गार्डन ऑफ हिस्ट्री ऑफ बंगाल। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है, क्या है, क्या क्या स्क्रिप्चर्स बना हुआ है। गेट नंबर 1 और साइड से हमारे भैया जो है वो भी कमेंट्री कर रहे हैं, तो उनके कमेंट्री पे ध्यान ना दें। कोपचा पार्क ऐसा ना बोले, क्या बात है, आपका बात तो सच हो गया।
ओ भाई यहाँ पे ऐसे ही इसका नाम स्कल्पचर पार्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हर एक दीवार पे स्कल्पचर्स बना हुआ है, अलग अलग स्कल्पचर्स बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं। आप हमको कैमरा में लाना चाहेंगे थोड़ा सा? आप आइए, आप कुछ बोलना चाहिएगा भैया? पगला पगले वाला पार्क है, बाहर में जो लिखा था उससे मैच नहीं कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये कोने में है लेकिन ये स्कल्पचर पार्क है, आप ऐसा ना बोले। को तीन हिस्से में बांटा गया है, जिसमें पहले सबसे पहला पार्ट है वो इकोलॉजिकल जोन्स का है, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, खाली जगह है जहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा जो है उसमें आपका थीम गार्डन्स आता है, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी, थीम गार्डन्स, स्कल्पचर गार्डन्स, ये सब आता है। और सबसे लास्ट में आता है अर्बन रिक्रिएशनल स्पेसेस, जहाँ पे आपको सातों वंडर्स और वो सब चीज़ दिखाऊंगा मैं। तो उसके लिए आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहे और स्किप ना करें वीडियो को। आएंगे बोलिए, देख सकते हैं कि हम लोग का गांव का पेड़ ये। हाँ, और जैसा भैंस उधर पर भैंस पालना, तो गोबर भी देख सकते हैं, मतलब गांव से मैच होता हुआ। ओ बाबा, इको पार्क इसको भी कॉपी कर लिया है। अरे बाबा मत बोलो, तुम सब जगह को खराब करके रख देते सब। कैसे पड़ा? 20 रुपया नॉर्मल रेट, 20 रुपया, तब तो सही है। देख सकते हैं, अगर आपको ऐसे पानी लेना है तो आपको 2 रुपया का बड़ा सिक्का डालना होगा, तब इसमें से पानी निकलेगा। ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी निकलता है, जैसे कि देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी निकलता है। तो अगर आप पानी लेने आए तो खरीदने की जगह आप भर भी सकते हैं। गाइस, भैया अपना फ़ोटो शूट करवा रहे हैं भाभी से, भाभी फ़ोटो खींच रही हैं और भैया फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। भैया चीटिंग है, आप भी फ़ोटो खींचिए। और यहाँ पे सलमान भैया और संदीप भैया खड़े हैं, इन लोगों को भी फ़ोटो खिंचवाना है। ठीक है, हम खींच देंगे। ब्लॉग फर्स्ट, ओके। पंखा है लेकिन इससे हवा नहीं आता। देख सकते हैं चाचा सेल्फी ले रहे हैं। ओ चाचा सेल्फी ले रहे हैं क्या? क्या हुआ आपका? तो हाथ में फ़ोन ही नहीं है, आप सेल्फी ले रहे हैं। हम लोग सस्ता सुंदरबन में आ चुके हैं, यहाँ आने का अलग से टिकट का पैसा लगता है, 10 रुपया पर पर्सन। तो हम लोग इसमें आ चुके हैं, तो आपको हम लोग यहाँ का कुछ सीन दिखाएंगे। पता नहीं, जाहिर सी बात है, जो वाला फिल्म नहीं है, कौन फिल्म था, इंग्लिश फिल्म का नाम क्या था, म्यूजियम का, नाइट इन म्यूजियम। नाइट इन म्यूजियम, इसमें नहीं, रात में 12 बजे सब जिंदा हो जाता है। हाँ, हाँ, तो अगर आप लोग को नाइट इन म्यूजियम देखना हो तो आप लोग कमेंट करें, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। हम लोग ड्यूप्लीकेट मार्केट में आ चुके हैं। छूना मना है। ऐसे भी नकली लेके हम लोग खा तो सकते नहीं है, तो इसको छू के हम लोग क्या ही कर लेंगे। पर कोई बात नहीं, इसको छूनिए, छूइएगा मत कोई। एडो सीरियल आता नहीं था, डरना मना है। हाँ, उसका बदली आई से छूना मना है, नकली है, छू के खा मत जाना। अगर आपको सुंदरबन जाना है तो पैसा खर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इको पार्क आइए, इको पार्क आके सिर्फ 10 रुपया दीजिए और सुंदरबन का मजा उठाइए। ये बात अलग है, सब नकली है, लेकिन सुंदरबन का आप मजा ले सकते हैं। चाचा सुट्टा मार रहा, अरे चाचा ये सब मत करिए, सेहत के लिए हानिकारक होता है। ये बचपन का खेल खेलते हुए गोली खेल रहा है बच्चा लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एज यू कैन सी गाइस। सुंदरबन की लड़की लोग नकली स्कूल जा रही है, नकली है तो नकली है स्कूल जाएगा लोग।
स्कूल चले हैं। हाँ स्कूल जा रही है, पूछे कौन सा स्कूल में पढ़ती है। कुछ नहीं बोले, खाली साइकिल असली है, बाकी वाइफ पूरा नकली है। साइकिल असली है, मच्छू। तो हम लोग जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं ताजमहल सेवन वंडर कहाँ है। बहुत बड़ा है, ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या ही बोल सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग पहुँचेंगे ताजमहल के पास नकली वाला, तो आप लोगों को वो भी दिखाया जाएगा। लेकिन अभी तो बहुत थक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत धूप भी उगा हुआ था, अभी थोड़ा सा धूप कम हुआ है। चेहरा देख के आपको पता चल ही रहा होगा, पूरा फेस टैंड हो चुका है। तो चलिए अब ताजमहल ढूंढते हैं पहले कहाँ है, फिर वहाँ जाते हैं। वैसे गेट नंबर 3 के ही पास है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, जाके आप लोगों को सेवन वंडर्स दिखाएंगे। हम लोग आ चुके हैं एक पार्क में, जहाँ पे देख सकते हैं झूला लगा है, आदमी झूला झूल रहा है और भैया लोग मार्च कर रहे हैं आगे की तरफ, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं हम लोग। हम लोग का मेन मोटिव है ताजमहल तक जाने का, लेकिन बीच में कुछ ऐसा दिख जा रहा है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। पर क्या करें, ये इतना बड़ा है कि अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, सब दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और ये हम लोग पहुंचने वाले हैं ताजमहल।